नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैर टू चल इंद्रजीत मंडल ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आए आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूं। और दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं चुटोनाथ, जो कि झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और बहुत ही फेमस मंदिर है, जो दुमका से करीबन जो कि दुमका बोले तो झारखंड की उपराजधानी जो है वो दुमका से जो है 12 किलोमीटर पड़ता है। वैसे हम लोग का घर से जो है ना शॉर्ट में जो है जाएंगे तो 40 किलोमीटर से मैप में दिखाता है। तो बहुत ही जो है फेमस मंदिर है वहाँ पे, अगर आप लोग कभी नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाएँ, या फिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाएँ वहाँ पर। और वहाँ पर जो है बलि प्रथा है, और वहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं सच्चे मन से, वहाँ पर जो है चुटोनाथ बाबा उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते, वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जय चुटोनाथ। आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। 1 2 3 कम ऑन। यहीं पे हम लोगों का ब्लॉक है और ये मार्केट भी है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसलिए सब दुकान सब बंद है। अभी 9-10 बजे तभी 9-10 बजे खुलेगा। अभी कुछ कुछ दुकान ही खुले हैं। चुटोनाथ का जो है मेन गेट है, यहाँ से जो है इन हो जाते हैं, यहाँ से जो है सीमा शुरू हो जाता है चुटोनाथ का। देखो दोस्तों, अभी हम लोग जो है चुटोनाथ पहुँच चुके हैं और चुटोनाथ में अभी जो है हम लोग आके पूजा करेंगे यहाँ पे। और ये देखना पूजा सामग्री, आपको जो भी कुछ लेना है यहाँ पे, हर तरह का पूजा सामग्री दुकान है, आपको जो भी आइटम खरीदना है यहाँ पर खरीद सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है ये मंदिर है चुटोनाथ का, यहाँ पर आप पूजा करते हैं। यहाँ पर अभी पूजा हो ही रहा है, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। हम लोग जिसके साथ में आए हैं वो मेरे चचेरे जीजाजी लगते हैं, और अभी ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलिए अब जो है ये हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पे सब मंदिर है चुटोनाथ का। जय बाबा चुटोनाथ। और भी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है, और इधर पहाड़ भी है, पहाड़ में भी ऊपर जा सकते हैं आप, यहाँ पे पहाड़ का भी एंजॉय ले सकते हैं देखने। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारा मंदिर भी है यहाँ पे है। ये देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं और
अगर पानी पीना चाहते हैं, अगर हाथ धोना चाहते हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे नल लगा हुआ है और यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया देख रहे हैं। जैसे बहुत आदमी जो है बरगद का पेड़ है और वहाँ के नीचे में बैठे हुए हैं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मंदिर में हम लोग पूजा कर ली है, अब जो है हम लोग जहाँ पे बलि होता है वहाँ पे चलते हैं। चलिए वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, और यहाँ से जो है थोड़ा सा सामने ही है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देख रहे हैं तो जो है ना डेली का ये नज़ारा है कि डेली बहुत भीड़ होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सबका मनोकामना पूर्ण होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है भगवान की आस्था है सबका इसी का, इसलिए यहाँ पे सब कोई आते हैं और यहाँ पे पूजा करने के लिए सबका मनोकामना पूर्ण होता है। इसीलिए देखते हैं हम लोग जो है जहाँ पे बलि होता है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो है इधर यहाँ पे बलि होता है देख रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक दिन पूजा होता है, बहुत काफ़ी मात्रा में भीड़ होता है, फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना गाड़ी और कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ पे जो है ऐसे फल वगैरह वहाँ पे चढ़ा सकते थे, यहाँ पे जो है बलि होता है। देख रहे हैं यहाँ पे जो है बलि होता है, बहुत सारा मंदिर है। पहले केवल ये जो पेड़ है यही पेड़ था, पहले हम लोग बहुत पहले आए थे, आप देख सकते हैं। प्रणाम कर लिए तो चलिए अभी आगे चलते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पे लोग ले रहे हैं, करना पड़ता है, और जितना भी देख रहे साइड में जो है ये किसी कोई कोई मैंने बना के रखते हैं, और जैसे कि कोई आदमी लोग आते हैं यहाँ पे बलि
के या फिर आप खाना वाना बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है। जितना जो साइड साइड में रूम दिख रहा है सब जो है लोगों को देने के लिए रखा है, इसलिए आप लोग भी कभी आए तो देख रहे हैं। बहुत कोई जो है बकरा वकरा लेके भी आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पूजा हुआ है उसके बाद जो है बनता है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे चावल बन चुका है और अभी जो बकरा है था वो मीट बन रहा है, देख रहे हैं इधर घोटी है उधर मीट है। और इधर जो है सब फैमिली मेम्बर सब बैठे हुए हैं, सब फैमिली मेम्बर सब बैठे हुए हैं। और इधर देख रहे हैं बाकी सब जो आया हुआ है वो सब, और ये हम लोगों का गाड़ी है, इसी से जो है ये लोग आए हुए हैं। देख रहे हैं हम लोग जो है यहाँ पे चुटोनाथ में पर पहाड़ के ऊपर में जा रहे हैं अभी, और बहुत सारे लोग जाते हैं। और आप लोग अगर पहाड़ के ऊपर में इंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं, इधर बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत कोई आए हुए हैं। चलिए हम लोग अभी जा ही रहे हैं, देख रहे हैं बहुत कोई जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर में, देख रहे हैं ये, देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा ऊपर में, और भी ऊपर जा सकते हैं, बहुत कोई इधर घूमने के लिए भी जाते हैं। घूमने के बाद हम लोग नीचे की ओर अब प्रस्थान करते हैं, देख रहे हैं हम लोग जो है अब नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर में एंजॉय कर लिए अब जो है नीचे की ओर जा रहे हैं। ये फाइनली हम लोग जो है नीचे आ गए, ऊपर में मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर आते हैं तो एक बार ऊपर पहाड़ में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऊपर से जो है ना बहुत अच्छा देखने में लगता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसलिए आप लोग अगर यहाँ पे आए तो एक बार पहाड़ के ऊपर जरूर जाएं। खाना खिलाने का जो है प्रोसेस शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे लेट हो रहा है खाना खा के सब जाएंगे। जो है जितना दूर तक देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज जो है 30 मार्च 2022 है, और कल से जो है शायद यहाँ पे अब निरामिष पूजा होगा। जो बलि प्रथा है यहाँ पे वो बलि जो है बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे एक पूजा होती है जिसे हम लोग विश्वा पूजा के नाम से बोलते हैं, वो बांग्ला जो है एक बैसाख को होता है, तो उसी के लिए जो है अब निरामिष पूजा यहाँ पे होगा। अब बलि जो प्रथा है अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा, कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे जो इतना भीड़ दिख रहा है ना, ऐसे तो भीड़ जो है प्रायः डेली होता है, लेकिन आज जो है इसलिए ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अब जो है 15 दिन तक जो है पूजा नहीं होगा। तो कोई भी चाहता है कि हमारा जो है जो भी कोई मनोकामना आदमी लोग मांगता है यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे बलि देता है। तो मैंने सबको जो है जिसका इसका बाकी था जो भी चाहता है कि हम मैंने कर लें, क्योंकि फिर जो है 15 दिन तक नहीं हो पाएगा अगला, तो इसलिए आज जो है और अधिक भीड़ इस कारण से है। और ऐसे तो जो है प्रायः डेली का यहाँ पे तो लगा रहता है भीड़। और यहाँ पे देख रहे हैं सबको जो है यहाँ चलता है सब। और यहाँ पे जो है मनिहारी सामान भी है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं यहाँ पे, उसे जो भी खरीदना रहता है खरीदते हैं। अगर आप लोग भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे खरीद सकते हैं, देख रहे हैं।
यहाँ पे जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है घर की ओर प्रस्थान करते हैं और चले अब हम लोग। जय बाबा चूटनाथ, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम लोग फाइनली जो है घर आ गए हैं और आज पूजा करके चूटनाथ बाबा का पूजा करके बहुत अच्छा लगा सच में, और बहुत किसी से मिलने को। सबसे बड़ा जो बात यही है कि बाहर में जाने से वहाँ पे मिलने को मिला सबसे, बहुत किसी से बहुत दिन से नहीं मिले थे हमको, लग रहा है कि करीबन 7-8 साल से, और सबसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। पूजा करके ऐसे भी बहुत अच्छा लगा, और आप लोग से निवेदन है एक बार ज़रूर जाएँ वहाँ पर पूजा करने के लिए। अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाएँ, और नहीं प्लान बनाते एक बार प्लान बनाए जाने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहीं पे जो है एंड करते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।